से रहा नहीं गया तो मैंने यहाँ पर आकर ये उफ, आप लोग को ये वादियाँ दिखाने लगे। ओहो, ये तो कितनी खूबसूरत जगह है, और ये मुझे प्यार से इतने अच्छे लगे कि मैंने कहा यहाँ पर आकर तो मस्त मस्त देखने वाला सीन है। मतलब अगर आप बाबू सर की तरफ आए और इस इलाके को नहीं देखे, मतलब मैं ये पहली दफा देखे ना, और मुझे तो इतना कोई खूबसूरत लग रहा है कि बस आई कैन सी दिस। मतलब हम सुबह के उठे हुए हैं, और लेकिन अगर आपने इस एरिया में आना है तो मैं आपको ये बताऊं, यू हैव टू कम एट दिस टाइम, सॉरी एट दिस टाइम एंड लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह के उठे हुए हैं, नो मेकअप नो नथिंग, बट वी आर एंजॉयिंग दिस। मेरा मियाँ बुला रहा, कह रहा मेरी तस्वीर खींचो। जिसका था इंतजार उस जगह पे हम आ गए हैं, और आ गए हैं हम लिलिसार लेक। लिलिसार लेक जो है बहुत ही खूबसूरत लेक है, और अदाबाद की तरह मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर भी ज़रूर ये होना चाहिए, कोई रिजॉर्ट या कोई जगह होनी चाहिए। ये देखें, आ जाए, आप भी आ जाए, हमारे साथ वीडियो बनाए। जी मैं जो मैं हूँ ये है, और नहीं, वो नहीं। देखने के लिए मैं बेताब थी डे टाइम पे, जब मैं रात में आई थी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिस इज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, आई एम इन लव विद दिस एरिया, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, हम बाबू सर टॉप के बहुत ही पास आ गए हैं, लेकिन एक लैंडस्लाइडिंग तो हुई भी थी, और अभी जो है हमने सुना है कि दूसरी लैंडस्लाइडिंग हुई। मतलब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये इस तरह का रास्ता होता है, ये देखें, तो लैंडस्लाइडिंग हो गई है, तो हम वहाँ पर अभी हम रुक गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये इट्सेल्फ इतना खूबसूरत जगह है, ये आप देख रहे हैं ना पीछे, मतलब ये मुझे खुद भी इतनी खूबसूरत जगह लग गई कि ओ माय गॉड, हम कहाँ आ गए हैं। मतलब ये जितनी भी अभी तक मैंने जगह देखी है ना, सब में बहुत ही बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त जुलाई का महीना, और जुलाई के महीने में मैं स्वेटर भी पहने हुए हूँ, मफलर भी है, तो जब बिल्कुल पीक सीजन समय है, जब अक्टूबर में आए थे तो हम लोग को तो हिम्मत थी, उस वक्त दो दो तीन तीन स्वेटर पहने हुए थे, नीचे से हमने जो है पूरी लेगिंग्स और जो वूल के टाइट्स थे वो पहने हुए थे, सॉक्स वूल्स की थी, मोटे जूते थे, मतलब वो इतना ज़्यादा कवर किया हुआ था अभी भी, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो हमने अपने आप को सेटल कर दिया। बट ये जगह ही इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पूरी सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, एरिया बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर कुछ ना समय होता रहता है। और आपको ये भी बताएं कि सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर तकरीबन जो बर्फ़ के टाइम पे बाबू सिर बंद, ज़रा बारिश हो जाए बाबू सिर बंद, तो ये कुछ ना कुछ सहूलत ज़्यादा होनी चाहिए। अभी रास्ता खोल रहे हैं, पर अगेन इट्स टेकिंग टाइम, टाइम टेकिंग चीज़ है थोड़ी सी, तो आई होप ये चीज़ जो है ये सही हो जाए। बहुत अच्छे नज़ारे, बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है।
Very nice. खूबसूरत इलाका है यहाँ पर। ये देखें पीछे अभी भी बर्फ इधर है, बहुत ठंडी ठंडा होता है यहाँ पर, ठंडी कह रही हूँ, बहुत ठंडा होता है। और ये देखें यहाँ पर ये होटल्स वगैरह बने हुए हैं, रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं यहाँ पर, मतलब आके आप सब रेस्ट करें, वॉशरूम्स वगैरह हैं। और बस इस ब्यूटीफुल अभी मैं बस फ़ौरन से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी, वो इन्हीं एरियाज में थी जहाँ पर हम बर्फ़ में आए थे और हम वापस गए थे। मुझे एहसास हो रहा है कि बर्फ़ में आने के बाद भी मेरा थोड़ा सा ये डेंजरस था, ऊपर आना सही नहीं था उस टाइम पर। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको थोड़ा सा एरिया वैसे दिखाती हूँ, फिर आगे जाएंगे। This is Babu's hotel.